दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश के 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान में हमारे देश में केवल 24.62% भाग पर ही वन है। विकास के नाम पर हम और हमारी सरकार वनों की अंधाधुंध कटाई कर रही है, जिसके कारण इंसानों समेत सभी जीवों को खतरा है। लेकिन फिर भी सरकारें और कॉरपोरेट सेक्टर बाज नहीं आ रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहे जाने वाला हसदेव जंगल खतरे में है। बड़ी बड़ी निजी कंपनियां 1,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हसदेव जंगल को उजाड़ कर वहां छिपे कोयले को पाना चाहती है और केंद्र ने भी यह मंजूरी दे दी है। लेकिन दोस्तों, क्या जंगल को उजाड़ कर हमारे विकास संभव है? हसदेव जंगल में रह रहे जीवों और इंसानों का आखिर क्या होगा? दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिण सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच हसदेव जंगल स्थित है। हसदेव जंगल को छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहा जाता है। यह जंगल 1,17,000 हेक्टेयर में फैला है। यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई जीवों के साथ साथ हाथी भी पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव अरण्य में गोंड, लोहार और ओराव समेत अन्य आदिवासी जातियां रहती हैं। हसदेव जंगल में 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इन वनस्पतियों में से 18 वनस्पतियां खतरे में हैं। लेकिन अब तो ये पूरा जंगल ही खतरे में आ गया है, क्योंकि अब इस जंगल पर अडानी की नज़र है। इस जंगल पर परसा कोयला खदान का 841.538 हेक्टेयर हिस्सा स्थित है और यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है। मतलब इस जगह अडानी ग्रुप खनन करेगा, जो कि इस जंगल से करीब 4,50,000 पेड़ काट कर यहाँ से कोयला निकालेगा। एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। और यदि हसदेव जंगल के 4,50,000 पौधों को काट दिया जाएगा तो आप सोच ही सकते हैं कि इससे इंसानों समेत पूरे पर्यावरण को कितना खतरा हो सकता है। हम इंसानों ने आज से 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, तब से हमने दुनिया के कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे को काट डाला। दुनिया के 32% जंगल घट रहे हैं और हम इंसान विकास के नाम पर, हमारी आवश्यकता के नाम पर लगातार प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सन 2009 में यह कहा गया था कि हसदेव जंगल को काटना खतरनाक हो सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह क्षेत्र नो गो क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। हसदेव जंगल को बचाने के लिए यहाँ के आदिवासी पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर जंगल को बचाने का संदेश दे रही है। कई आदिवासी संगठन जंगल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, ये जरूरी है कि आप और हम सभी लोगों को हसदेव जंगल बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। नहीं तो एक के बाद एक जंगल कटते जाएंगे और हम इंसान मारूफी इस पृथ्वी को ख़त्म कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम जल, जंगल और ज़मीन बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद।